वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एंड ग्यारह। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और आज का ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो उसी ब्लॉगिंग में आप मेरे ब्लॉगिंग में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों को कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, थोड़ी देर में मैं रेडी भी हो जाऊंगी। अभी क्या कौन क्या कर रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको तो जानते ही होंगे। अभी फेस नहीं दिख रहा, अंधेरा हो रहा है, तो इसकी आवाज से बताइए कि कौन चिल्ला रहा है पीछे, ये किसकी आवाज है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी चोट लग जाएगी आपको देखना। और इधर कोई बात नहीं, तो इधर भाभी पिला रही है बच्ची को दूध, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, पिला रही है। हाँ। वो भी आवाज मार रहा है मेरे को कि मेरे को भी दिखाओ, अब वो लॉगिन मोगिन करेगा मेरे बाद। ये दूध पी रही है अभी, सुबह का टाइम हो रहा है। और इधर छोटा वाला भाई भी चाय पी रहा है, सुबह की चाय, 10:30 बजे की सुबह की चाय पी रहा है। मिल लो इनसे, 10 बजे उठते हैं ये, आँख मार 10 बजे उठता है, कह रहे 10 बजे उठता है ये। तो उधर मम्मी और छोटी वाली भाभी किचन में है, ये जा हो रही है किसी चीज की तैयारी, तो वो ब्लॉग अगर बने रहेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा किस चीज की तैयारी हो रही है। ये क्या बना रहे हैं मेरे लिए? कलौंजी, कलौंजी बना रहे हैं ये, बैगन की कलौंजी। यूपी बिहार के जो लोग होंगे वो लोग ज्यादा खाते हैं, उनको ही पता होगा। हमारी बेटी जा रही है बैगन की, रहा है आज स्पेशल। और सोया चाप, और सोया चाप बन रहा है, सोया चाप बनेगा वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। सोया चाप बन चुके हैं, दही बल्ले बन चुके हैं, पूड़ी बन रही है और कलौंजी बन रही है। तो दही बल्ले भी बनेगी, तो बन चुके हैं दही बल्ले, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि रात को ही बना दिए, एक दिन पहले ही बना के रख देते ताकि उसका टेस्ट सॉफ्ट हो जाए खाने में, और टेस्ट और अच्छा है क्योंकि हाँ घुल जाए, थोड़ा खट्टापन में आ जाता है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो दही बल्ले दही बल्ले दिखा रही, ये दही बल्ले बन के रेडी है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा सबके। और ये है बैंगन की कलौंजी, थोड़ी सी ये है, थोड़ी अभी कढ़ाई में है पक रही है, थोड़ी इधर रखी हुई है, अभी पकी रही है। पापा वहां बैठ के रूस की ओर ये जो हमला चल रहा है, बाइडेन फ्रांस यूक्रेन का हमला चल रहा है, वो न्यूज देख रहे हैं, पूरी अपडेट रखते हैं पापा, पापा पूरी अपडेट रखते हैं, तो न्यूज देख रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो न्यूज के बारे में पापा से पूछ सकते हैं, वो टीवी में लगी हुई है। और विधान से सो रही, और आज एक कांड और हो गया है कि आज सुबह सब लोग जल्दी उठ गए, क्या रहा बाहर नहीं जाना, आज सुबह लोग जल्दी उठ गए क्योंकि सुबह सुबह घर में निकल गया है यही सांप, उसी चक्कर में लोग सब जल्दी उठ गए हैं। दोनों भाभियां उठी हुई थी, छोटी वाली ने देख लिया वो भाई को जगा रही थी, बड़ी वाली मम्मी को जगाया फटाफट, उसको सांप को फटाफट अंकल को बुलवाया, उसको उठवा के बाहर फेंकवाया ना, तो बच्चे घर में 5 बच्चे अभी छोटे छोटे, तो डर लगा रहता है। और इसी चक्कर में सब लोग जल्दी उठ गए, मैं भी जल्दी उठ गया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इधर साइड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है काफी ज्यादा। कलौंजी की प्रॉपर तैयारी हो रही है, जिस जिसको कलौंजी खाने आ जाओ, दाल चावल के साथ बड़ा मजा आता है खाने में कलौंजी। मम्मी जब भी आती है मेरे घर पे तो कलौंजी लेकर भी आती है, बैंगन की कलौंजी और मिर्च वगैरह की, और कड़वा करेले की कलौंजी तो मम्मी जब भी आएंगे लेकर आएंगे मेरे घर पे, क्योंकि सबको बहुत पसंद है, मैं जल्दी बनाती नहीं, तो उसी पे मम्मी बना रही हैं।
घर का सबसे शैतान बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा यही है, है ना। शैतान बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा मेरा यही है घर का, जिस घर में आतंक रहता है कि भाई अयांश आ जाएगा तो पिटाई कर देगा, अयांश आएगा तो बाल नोच लेगा, अयांश आएगा तो दांत काट लेगा। अभी सब लोग सो के उठे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना, है ना। मम्मी ने अभी इसको गेट बंद कर दिया था घर के अंदर, तो उसने पूरे घर की दीवार की सफेदी उतार के नीचे करके कर दी है ना। बोलो हेलो गाइस, बोलो गाइस कैसे हो। मेरी बुआ है, मेरी किचन। बोलो मेरी बुआ है, कैसे हैं आप लोग, कैसे आप, कैसे आप। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, कट गया आज। लग रहा है कलर और मारन बुलाया जाएगा। नहीं बेटा, क्या रहा, कलर लगवा रहे हो, कलर लगा, मामी से कलर लगवा रहे हो। बन रहा है सोया चाप। गाइस मैं आज जा रही हूँ अपने घर, अपने ससुराल, तो उसकी पैकिंग हो गई है। इधर मम्मी लग रही पैक करने में, इधर आराम से देखो, इधर मेरा सामान रेडी है, यहाँ पैक करके रख रही है सामान मम्मी। इधर एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा, इधर है, अभी रूम में रखा हुआ है। पापा खड़े हैं, पापा मेरे साथ चलेंगे मुझे छोड़ने के लिए। हाँ फिर बोला मेरा त्राया, पापा छोड़ने जाएंगे। उधर पूजा हो रही है दोनों बच्चों की, इधर दिख रहा है। और हो गया सामान रेडी, पैकिंग हो गई है और अब जा रहे हैं अपने घर। अयांश, अयांश चलेगा बुआ के साथ, बुआ के साथ चलोगे, चलोगे। और अब जा रहे हैं त्रायक्ष की दादी के पास। त्रायक्ष भी रो रहा है आज, गोद से उतर नहीं रहा है, ब्लॉगिंग करने नहीं दे रहा है। इधर सामान निकाल रही है मम्मी मेरा, धीरे धीरे रूम से बाहर पैक कर दिया इतना सामान कि अब देखो गाड़ी में आएगा भी नहीं मम्मी इतना सामान, अभी रुक के होगा, आएगा भी नहीं इतना सामान। क्यों नहीं आएगा, देखो लड़ रही है, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं कह रही, क्यों नहीं आएगा सामान, आ जाएगा उसके अंदर, पता नहीं देखो आता है कि नहीं आता है। से मिल लीजिए लास्ट टाइम, अब पता नहीं मैं कब आऊंगी। और छोटी भाभी से आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर से, इनकेस सब्सक्राइबर इनकी और ज्यादा वीडियोस लाइक करें और इनको और ज्यादा सब्सक्राइब करें, तो आप लोग मेरी भाभी ताकि ये फेमस हो जाए। ये दोनों सुबह सुबह उठ गई थी और मेरे लिए फटाफट दोनों ने मिलके खाना बनाया है, सोया चाप बनाया है, दही भल्ले बनाया है और आलू मटर, आलू मटर, टमाटर की सब्जी, बैंगन की कलौंजी और पूड़िया बनाया है। मेरा रात का बंदोबस्त करके मेरे को भेज रही है ताकि मैं जाऊँ आराम से, खाना बनाने की जरूरत ना पड़े, टेंशन ना हो इन्हें। किस किस की भाभियां किसको ऐसे प्यार करती कमेंट में जरूर बताना। हम अपने घर आ गए हैं और आपको देखो बेटा, फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर और काफी थकान हो गई है और घर में आज सुबह निकल गया था सांप, जिस चक्कर में हम लोग जल्दी उठ गए थे और उसके बाद से अभी धो पूरा घर, इधर उधर सारा सामान में भी मैंने रखा नहीं है, उस कमरे में भी सामान रखा है, क्या क्या मैं लेकर आई हूँ अपने घर से, अपने मायके से लेकर आई हूँ, सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। और यहाँ पे त्रायक्ष मेरा भी सो रहा है,
बहुत गहरी नींद में है और इस टाइम मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मम्मी ने ही बना के इतना कुछ दे दिया, भाभियों ने ही इतना कुछ बना के दे दिया है, दही भल्ले दिए हैं और सोया चाप दिया है, आलू टमाटर मटर की सब्जी दी है, पूड़ी दी है, कलौंजी दी है। आवाज़ सुनते ही उठ गया ये, तो ये सब मेरे को दिया है ताकि मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं आराम सिर्फ खाना ही बनाना ना पड़े, वो खाना ना बने, मतलब मैं सिर्फ चावल बनाऊँ और हम लोग खाकर सो जाएं, बेटी को आराम लगे मिले। और सभी के माँ बाप चाहते हैं कि बेटियाँ हमारी सिर्फ आराम से ही रहें, खुश रहें। सबके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं सबके बच्चों को, अपने अपने बच्चों को। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स होते हैं कि बेटियों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, काम ज़्यादा करना ना पड़े, मतलब अपना घर की जिम्मेदारी निभाए पूरा। और बेटियाँ और क्या बोलूँ, आप सबसे जानते हैं माँ बाप कैसे होते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ आराम ही रहे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी रहे। बेटे के पास कितना भी होगा फिर भी माँ कहती है कि हमारे बेटे के पास कुछ नहीं है, बहुत थक गया, काम करके आया है। ऐसे ही माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आपको अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। और रो रहा है, जय हिंद जय भारत।